ये मेरे पिताजी ब्लॉग कर रहे हैं। और भाई आज मेरे बर्थडे की सेंचुरी होने वाली है। अपनी अपाचे को मैं ऐसे पैक करके जाता हुआ, I'm gonna miss you। ये अब वो दिखते नहीं है, अब कहाँ है पिताजी? मैंने ही कहा है, मैं ना ये तो आया नहीं है। आइए अच्छे से आइए, कुछ कहना चाहेंगे? व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, व्लॉग कहना यही चाहेंगे कि मुझे बड़ा आराम से बैठो भाई साहब, लॉन्ग जर्नी है, थोड़ा आराम आराम से चलो। 80 पार नहीं करनी है, 80 पार नहीं करनी है वो तो ठीक है, और मौसम चेंज हो गया भाई, बुड्ढा मुझे ठंड लग रही है। ठंड कहाँ लग रही है, अभी इतनी गर्मी हो रखी है यार। Hey guys, welcome back to the channel, नया दिन नया व्लॉग। और ये व्लॉग जब आप देख रहे होंगे, हम लोग अपने ननिहाल में होंगे, तो बहुत ही लंबा छुट्टी ली है हमने, हमारे पिताजी ने और बहना ने, क्योंकि मम्मी ने बोला था, क्योंकि बड़े मामू की घर पे शादी है। अब मम्मी ने एक महीने पहले से बोला था और ननिहाल से फरमाइशें दी कि आना है, तो अगले 15 दिन में काम धंधा तो होगा नहीं अपना, प्रोड्यूस थोड़ी कम आएगी। हम लोग ने लिया हुआ है रूट फैजाबाद वाला, लेकिन मुझे जो समझ आया कि यार ट्रैफिक बहुत है इसमें। हम लोग घर से निकले थे 8:15, 9:25 हो रहा है, ओनली 44 किलोमीटर हमने चलाया है, पर अभी बाराबंकी में ही है। बाराबंकी क्रॉस हो गया, क्रॉस हो रहा है, और मैं इतना फंबल इसलिए कर रहा हूँ कि घर वाले सारे हैं, तो समझ सकते हैं आप। पीछे से कमेंट्री चल रही है उसकी, वो एक्टिव हो गई है थोड़ी, कैमरा देखते हुए उठ जाती है, ऐसे सो रही होती है। क्यों नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात है नहीं, बिल्कुल। 20 महल का सा हॉल्ट लिया है, बेसिकली गाड़ी मैं चलाऊंगा, पापा पानी पी रहे हैं, अभी स्विच हो रहा है यहाँ पे। भाई लोग हम जा रहे हैं बड़े अबू के यहाँ फैजाबाद में, ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर बाद हम पहुँच जाएंगे फैजाबाद, अयोध्या का। हाँ फैजाबाद, फैजाबाद पहुँच जाएंगे एंड ताऊ से मिलेंगे, उसके बाद हम लोग को फिर निकलना है अपने ननिहाल साइड पे। तब तक मिलते हैं भाई लोग उसके बाद। मेरे पिताजी ब्लॉग कर रहे हैं। और भाई आज मेरे बर्थडे की सेंचुरी होने वाली है, 1 किलोमीटर और वो घड़ी आने वाली है, और जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था, बस कुछ ही लम्हों में। अरे तुम गाड़ी चलाओ बेटा, कुछ आने वाला है, राशिद तुम लोग ताली बजाना बेटा। और वो घड़ी आ गई और मेरे बेटे की सेंचुरी हो गई, ये है सेंचुरी। ये मेरे छोटे साहबजादे अब स्टीयरिंग पकड़ रहे हैं, बड़े वाले थक गए, अब इनके बड़े टोर हैं भाई साहब, जरा देख लीजिए इधर, जरा देखिए, जरा मुस्कुराइए, जरा बेरोजगार इधर देखिए, ये बेरोजगार हैं, लेकिन ये बेरोजगार नहीं है, ये माशाल्लाह इनको रोजगार है, ये बरसरे रोजगार हैं। और ये आप भाई को छोड़ के अपने जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसको एक बार हम लोग लखनऊ दिल्ली में चांदनी चौक पे छोड़ के आ गए थे, और आज छोड़े मैं यहीं सोच छोड़ के इसके चले आऊँ। ले आ, ले आ, ले आ। आप जाएंगे पतली सी गली और हम लोग फंस चुके हैं अभी। देख देख उतर गई, उतर गई राशिद, बैक ना करिए, उतर जाएगी गाड़ी, उतर जाएगी। बेटे बेटे मौज कर दी, हाँ माज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, वो तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। इधर सीधे सीधे सीधे, और इधर चारों तरफ लूम का काम होता है, तो बैकग्राउंड में जो आपको नॉइस आ रही होगी वो लूम चलने की, बेसिकली जो हैंडक्राफ्ट कपड़े बनते हैं
सो उन मशीनों की आवाज़ आ रही होगी आप। भाई तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले यार। मैं हैवी ड्राइवर क्या, हम तो गया चिपक गई कहीं। चिपक गई भाई, बड़ वाला हाल था वहां तो नाले में उतर बहन। लेकिन यहाँ नाला ढका हुआ था, नाला ढका हुआ था लेकिन। सो ये लूम है जिसके बारे में बता रहा था, बेसिकली साड़ी वगैरह बनती है इस मशीन पे। इसको ऐसा पकड़ो, इसको ऐसा पकड़ो, बाहर आओ, इसको ऐसा पकड़ो, दूर करो हाथ, हाथ दूर करो, ऐसे करो। अब बोलो कुछ, सामने बोलो, बोलो तो कुछ बोलता है ना। ऐसे नहीं दिखेगा, देखो ऐसे दिखेगा, देखो नहीं दिखेगा जब ऐसे। इसमें कुछ बोलो तो, उसमें बोलो दादी, ये मंजन थोड़ी ना करना है भाई, कुछ बोलो। पहली बार आए थे जोधपुर से, आज अब आएंगे दादी बाइक से आएंगे। इसी बार आ रहे थे लेकिन पेट्रोल बहुत है। दो साल, लेकिन अभी अभी दो साल, अभी दो साल हो गया है, तो दो साल से नहीं आया ना यहाँ। 19 में आया था, 19 दादी से 18 में मिले, दादी से 18 मिले। चलो चलो, बाकी दादी दुआ करिए जो कर रहा हूँ थोड़ा वो और बढ़े। चल ठीक है।